दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको ये किचन है इसके वाटरप्रूफिंग किया जा रहा है, कैसे किया जाएगा, इसका बेनिफिट कब है और कब किया जाएगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लास्ट तक देखें। आज मैं सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा कि वाटरप्रूफिंग कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्कर है, वाटरप्रूफिंग करने से पहले ठीक से जो इसका एरिया है उसकी सफाई की जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी नया नया कंस्ट्रक्शन होता है या पुराना कंस्ट्रक्शन हो उसको ठीक से सफाई कर लेना है, क्योंकि जो एरिया जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग सक्सेस होने का और ज़्यादा दिन चलने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा दिन चलता है। उसके बाद जब सफाई हो जाता है उसके बाद ये प्राइमर है, एक्रेलिक बेस्ड ये वाटरप्रूफिंग केमिकल है माय डियर फ्रेंड्स। पानी में इसका एक रेशियो बना लिया जाता है, रेशियो जो बनाने का है 1 लीटर केमिकल और उसके बाद 2 से 3 लीटर जो है पानी मिला के पूरे सरफेस पर लगा देना है। जब ठीक तरह से सूख जाता है उसके बाद आपको क्या करना है कि पेस्ट बनेगा इसके ऊपर। पेस्ट जब बनेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, उसको ठीक से सूखने देना है। जब ठीक तरह से सूख जाएगा उसके बाद फाइबर मेस का काम होगा। माय डियर फ्रेंड, जब भी आपने घर बनाइए, नया नया कंस्ट्रक्शन कराते हैं, किचन वगैरह उसमें बनाते हैं, तो उसमें आप किचन में ज़रूर वाटरप्रूफिंग का काम कराइए, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमेशा पानी का काम होता रहता है। और अक्सर आप देखते होंगे दूसरे के घर में या अपने घर में भी देखते होंगे कि किचन में टाइल्स वगैरह लगा होता है उसके बावजूद भी सीलन सीपेज आ जाता है, जिससे पूरा पेंट पीओपी ये सब झड़ने लगता है। तो उससे ये सब बचने के लिए आपको वाटरप्रूफिंग कर देंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, सीलन सीपेज नहीं आएगा। टाइल्स कोटा स्टोर अगर आप लगाते हैं तो उससे पहले वाटरप्रूफिंग का काम करा दें, उसके बाद ही लगाएं। ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बहुत कम खर्चा आता है, लेकिन इसको लोग छोटा काम समझ के नहीं कराते हैं। टाइल्स कोटा स्टोन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि बाजार में उसी का बोलबाला है। टाइल्स हो गया, कोटा स्टोन हो गया, उसको लोग सोचते हैं इसको लगा देने से हमारा किचन बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वाटरप्रूफिंग करा के डायरेक्ट इसके ऊपर प्लास्टर भी करा सकते हैं। जो केमिकल लगाया गया था प्राइमर, देखिए पूरा लग चुका है सरफेस पे। अब इसको ठीक से छोड़ देना है सूखने का। जब ये सूख जाएगा इसके बाद एक और ट्रीटमेंट होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, तो किचन में आप ज़रूर वाटरप्रूफिंग कराइए। घर में जहाँ जहाँ वाटरप्रूफिंग होता है, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, छत हो गया, यहाँ पे वाटरप्रूफिंग का काम किया जाता है, यहाँ पे जरूर कराएं। नया नया घर बना रहे हैं उस टाइम ही करा दें। एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है कि इस काम को प्लास्टर से पहले कराना है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो ये बेस एरिया है, प्लास्टर दीवार पर हो चुकी है, लेकिन जो ये नीचे का ग्राउंड बेस एरिया है इसको प्लास्टर नहीं किया गया, वाटरप्रूफिंग के लिए छोड़ दिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लास्टर के पहले ही होता है, उसके बाद आप प्लास्टर करा सकते हैं। अगर आप प्लास्टर कर देते हैं उसके बाद वाटरप्रूफिंग नहीं होता है, कुछ लोग कर देते हैं लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है और कहीं ना कहीं वाटरप्रूफिंग को फेल कर देता है। तो जब ये प्राइमर सूख जाएगा उसके बाद देखिए पेस्ट लगना शुरू हो गया है। मैं अपने चैनल में बताया हूँ कि कैसे पेस्ट बनाया जाएगा, आप वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद ये पेस्ट लग जाएगा, प्राइमर सूख पर सबसे पहले क्लीन हो गया, उसके बाद प्राइमर लग गया, सूख जाने के बाद पेस्ट लग गया। जब पेस्ट सूख जाएगा उसके बाद फाइबर लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो किचन में ज़रूर आप वाटरप्रूफिंग कराइए। किचन में क्या होता है कि लोग इसको सजा कर रखते हैं, हर कोई को मतलब जो किचन में खाना वाना बनाता है उसको अच्छा दिखाने के लिए वगैरह सामान वामान टाइल्स वगैरह सब कुछ लगाते हैं। लेकिन अगर सब कुछ आप करते हैं और अगर आपके सीलन और सीपेज कहीं से लीकेज आने लगा तो ये सब बेकार हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, पाइप वगैरह, बेसिन हो गया, फिर पानी पीने का प्योरीफायर हो गया, यहाँ पे सारे किचन में इंस्टॉल किया जाता है। ये पाइप आप देख रहे हैं, ये मेन पाइप है जो बेसिन से इसके अंदर जाएगा, ऊपर ये प्योरीफायर लगेगा। तो इस जगह पर वाटरप्रूफिंग भी कर दी गई है और यहाँ पर कर देने से ये होगा कि यहाँ पर ये पाइप जो है हिलेगा डुलेगा तो नहीं, क्योंकि ठीक से जाम कर दिया गया और वाटरप्रूफिंग कर दिया गया है। तो यहाँ पर वाटरप्रूफिंग हो जाएगी तो नीचे जो सीलिंग है वहाँ पे भी सीलन और सीपेज नहीं आएगा। जब ये पेस्ट सूख गया उसके बाद देखिए फाइबर मेस लग रहा है। फाइबर मेस का ये काम होता है माय डियर फ्रेंड्स, ग्लास फाइबर है ये, ग्लास का बना होता है, ये केमिकल को बहुत मजबूती से पकड़ बनाता है और क्रैक वगैरह आने की संभावनाएं होती है तो क्रैक से भी ये बचाता है। तो अपने बाथरूम का अगर आप जो है किचन बाथरूम का वाटरप्रूफिंग कर देंगे तो नीचे जो इसका जस्ट सीलिंग है उसमें आपका सीलन सीपेज नहीं बनेगा और आपका घर कमरा ख़राब नहीं होगा, किचन भी ख़राब नहीं होगा। जो कंपनी की सर्विस है पूरे दिल्ली और इंडिया में अवेलेबल है, इसमें नंबर दे दूँगा, उस पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं।